Hey there, subscribe to my channel. जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नाजिर महमूद, कॉलमिस्ट हैं, दी न्यूज़ में कॉलम लिखते हैं। हम इनसे सवाल करते हैं कि नाजिर साहब बताइएगा कि आज़ादी सहाफत किस चीज़ से मशरूत है पाकिस्तान में? जनाब आज़ादी सहाफत को तो मशरूत होना ही नहीं चाहिए। आज़ादी सहाफत का ताल्लुक बराह रास्त शख्सी आज़ादियों से है और इसका ताल्लुक तमाम दूसरी आज़ादियों से बनता है, और जो लोग आज़ादी सहाफत के ख़िलाफ़ होते हैं वो असल में अपना चेहरा देखना नहीं चाहते, क्योंकि मीडिया जो है वो हम उसको चौथा सुतून कहते हैं, और चौथे सुतून का मतलब ये होता है कि वो बाकी तीन सुतून को आईना दिखा रहा होता है, और जो आज़ादी सहाफत नहीं चाहते वो अपना चेहरा नहीं देखना चाहते क्योंकि उनका चेहरा मकरूह होता है। इसलिए आज़ादी सहाफत पर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। इसको बिल्कुल मशरूत किसी भी चीज़ से मशरूत नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मादर पितर आज़ादी हो, ज़ाहिर है वहाँ आज़ादी ख़त्म हो जाती है जहाँ पर कोई किसी को तशद्दुद पर उकसाए, वहाँ पर तो पाबंदी जायज़ है, लेकिन अगर कोई तशद्दुद पर नहीं उकसा रहा और बुनियादी रियासती जो इदारे हैं उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, सेहत पर के अखराजात पर या एजुकेशन तालीम के शोबे के बारे में सवाल उठाए जाते हैं, या हमारे मुल्क में जो मसाइल हैं उन पर सवाल उठाए जाते हैं, या किन तबकों की बालादस्ती है उस पर सवाल उठाए जाते हैं, तो इसकी मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ इसको बिल्कुल मशरूत नहीं होना चाहिए। Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.